नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और खबर भजनपुरा के भजनपुरा वार्ड से। यहाँ पे यानी 29 नवंबर को ए ब्लॉक भजनपुरा और बी ब्लॉक भजनपुरा की मेन पुलिया पे यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि पंजाब के मंत्री हरजोत बैस जी यहाँ आते हैं और लोगों से यहाँ रेखा रानी के लिए अपील करते हैं वोट करने के लिए और उनकी गारंटी भी लेते हैं। मंच से उतर के वो हर व्यक्ति तक जाते हैं, मिलते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप हम पे भरोसा रखिए, रेखा रानी को वोट करिए और इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, जो काम उन्होंने पहले किए हैं उससे ज़्यादा अच्छे से और बढ़िया काम करके वो दिखाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसी के तरीके से रेखा रानी भी जबरदस्त काम करेंगी और आप लोगों के हर वो काम होंगे जिसकी आप उनसे उम्मीद करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में यहाँ सिख समाज को एक अलग अपील की। उन्होंने कहा, जिस तरीके से आप लोग यहाँ सुनने में बड़ी संख्या में मुझे आए हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे समाज से हैं, अपने पिंड में पता करिए, अपने गाँव में पता करिए कि किस तरीके कार्य पंजाब में हो रहा है। इसी तरीके से दिल्ली भी आगे बढ़े। दिल्ली में अपना विधायक हो तो उसके साथ अपना ही निगम पार्षद हो, इस कड़ी को जोड़िए और रेखा रानी को समर्थन दीजिए, उनको अच्छे खासे वोटों के मार्जिन से जिताइए और इनके द्वारा किए हुए कार्य को भी याद रखिए। उनके यहाँ आने से सिख समाज काफ़ी खुश नजर आया। साथ ही साथ रेखा रानी के साथ यहाँ पे पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा, राजकुमार बल्लन और कई गणमान्य व्यक्ति भी मंच पे मौजूद रहे। सबने यहाँ रेखा रानी के लिए अपील की और सबने कहा कि रेखा रानी ने अच्छा काम किया है, उनके लिए यहाँ पे दोबारा आना कोई आसान बात नहीं हो, ऐसा ना करें, लोग वोट करें, सपोर्ट करें और उनके कामों को याद करके उनको भरपूर समर्थन दें। आप खुद देखिए किस तरीके से पंजाब के यहाँ आए राष्ट्र नेता हरजोत बैस जी रेखा रानी के लिए अपील कर रहे थे और सिख समाज से उनके लिए गारंटी दे रहे थे। ये जो मेरी भी गारंटी है ना, ठीक है ना, कि कोई कसर ना रहे, तीन चार दिन रह गए पूरे साल, क्या उन्हें सच्ची चेंज करने मिली? यदि आप पूरी वोट डाल दिया जी, ठीक है ना जी, और उनको भी बोल प्रॉमिस करे हैं, मेरे कुछ बात है। आप पंजाब से यहाँ पे रेखा रानी जी के लिए वोट मांगने आए हैं, सपोर्ट मांगने आए हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली में सरकार उनकी तो उनका पार्षद भी होना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए जी, दो तरह की दिल्ली है। केजरीवाल जी की दिल्ली है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में अच्छे कामों के लिए, स्कूलों के लिए, मोहल्ला क्लिनिक के लिए, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के लिए, और एक भाजपा की दिल्ली एमसीडी वाली दिल्ली है जिसकी चर्चा है कूड़े के पहाड़ों के लिए। तो अब दिल्ली को कूड़ों के पहाड़ों से मुक्त करना और वो काम, ये काम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, इसलिए मेरा ये मानना है और दिल्ली भी ये मान बैठी है और दिल्ली ये कर दिखाएगी कि इस बार हर एक पार्षद अरविंद केजरीवाल। देखिए, जिस तरीके से यहाँ लोगों को जन समर्थन मिल रहा है और लोग काफी देर से यहाँ उनके इंतजार में थे, उनको सुनने के लिए बेचैन थे, इतने बड़ा जनसमूह यहाँ जो एकत्रित था, तो इसलिए वो सबसे मिलकर गए। देखो, ये एक अच्छे नेता की पहचान होती है कि जो जनता उनके इंतजार में बैठी है उनसे मिलकर जरूर जाए, तो लोगों को अच्छा लगता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, तो उनकी पूरी दिल्ली में मीटिंग्स है, इसीलिए वो थोड़ा आगे भी अभी उनकी मीटिंग थी तो जल्दबाजी में वो चले गए। लेकिन आपने जिस तरीके से देखा, यहाँ सभी समाज का समर्थन है, यहाँ सिख समुदाय ने अपना पूरा समर्थन दिया है और जितने यहाँ वक्ता थे आपने वो भी देखे होंगे और जो यहाँ जनता है उनका उत्साह आपने देखा है, सभी लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद हमेशा है, जैसे है वैसे ही अभी और भी बढ़ चढ़ कर है।
आपकी गारंटी उन्होंने ली, उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ जो काम इन्होंने किया है उससे ज्यादा करके दिखाएंगी, यानी जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, एमसीडी में बनने वाली है, निगम पार्षद भी केजरीवाल का होगा तो काम दुगनी गति से होगा, बहुत बेहतर काम होगा और कहीं से भी फंड लाने में दिक्कत नहीं होगी, काम करने में दिक्कत नहीं होगी, डिपार्टमेंट में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर पार्षद गलती से दूसरी पार्टी का होता है तो हमेशा फिर वही दिक्कतें रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इसलिए अगर केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद।